हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 18 जुलाई 2021 को, उसका हम इंग्लिश और हिंदी पोर्शन देखेंगे, 50 क्वेश्चंस। जीके पोर्शन की वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल में अपलोड हो चुकी है, साथ ही क्वेश्चन पेपर और आंसर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आई हैव स्पेंट डैश मनी दैट यू गेव मी। ऑप्शन सी द जो है सही आंसर रहेगा, आई हैव स्पेंट द मनी दैट यू गेव मी। यू मस्ट एक्ट डैश योर टीचर्स एडवाइस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यू मस्ट एक्ट अपॉन योर टीचर्स एडवाइस। मोहन वाज अब्सेंट डैश द क्लास। मोहन वाज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ऑप्शन डी। ही वॉज एक्यूज डैश मर्डर ऑफ जो है सही आंसर रहेगा, ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर। शी हैज नो अफेक्शन डैश मी, सही आंसर रहेगा, शी हैज नो अफेक्शन फॉर मी। ही डिड नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल, सही आंसर रहेगा टू, ही डिड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। ही इज एंग्री डैश योर कंडक्ट, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ही इज एंग्री एट योर कंडक्ट। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश योर मिसकंडक्ट, सही आंसर रहेगा यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 एंड 12, इसमें हमने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स देखने हैं। तो क्वेश्चन 11 में है ऑप्शन बी, सीजर्स, यानी कि कैंची जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन डी, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो पहला है अबंडन, अबंडन का जो सिमिलर वर्ड रहता है वो रहता है लीव। अबंडन का अर्थ रहता है छोड़ना, लीव का अर्थ भी रहता है क्या करना। अमाइबल, अमाइबल का जो सिमिलर वर्ड रहता है वो है ऑप्शन ए एंड डी, दोनों रहते हैं एग्रीएबल एंड काइंड हार्टेड। तो आंसर की में जो है ये दोनों सही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, चूज द अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड हमने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना, तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है रिपेल। 16 है ब्रूटल, ब्रूटल यानी कि क्रूर, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है ह्यूमेन यानी कि दयालु। क्वेश्चन नंबर 17 टू 19, फाइंड द करेक्ट आंसर। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। 18th क्वेश्चन में आएगा, द अर्थ रिवॉल्व, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, द गीता इज सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। सेक्रेड जो अंडरलाइंड है, इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22-25, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। प्रेपोजिशंस हमने जो है फिल करने हैं, ही मस्ट अबाइड डैश हिज प्रॉमिस, सही आंसर रहेगा ही मस्ट अबाइड बाय हिज प्रॉमिस, ऑप्शन सी। He is not afraid dash you. He is not afraid of you. Please attend dash what I say. Please attend to what I
द डॉग बार्क डैश द थीप। सही आंसर रहेगा द डॉग बार्क एट द थीप। दे हैव डैश न्यू कार। सही आंसर रहेगा दे हैव अ न्यू कार। बी वेर डैश पिक पॉकेट्स। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। नेक्स्ट आता है हिंदी पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन रहता है एक या अनेक शब्दों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे जो है शब्द कहते हैं। यदि जमा अपि की शुद्ध संधि जो होगी वो होगी ऑप्शन बी यद्यपि। जलज कैसा शब्द है? जलज की बात करें तो जलज जो है एक योग रूढ़ शब्द है। आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है ऑप्शन ए आनाकानी जो है आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। आनाकानी शब्द की बात करें तो एक पूर्ण शब्द है इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आकार आजन्म और आमरण जो है इसमें जो है आ उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द जो है युग्म कहलाते हैं ऑप्शन बी। हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं? हिंदी के वर्ण की बात करें तो ये देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ई कैसे स्वर है? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन बी दीर्घ स्वर। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? सही आंसर है दो। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के जो भेद रहते हैं वो कौन कौन से हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द की बात करें तो कृपया तथा उज्ज्वल दोनों जो है इसमें अशुद्ध शब्द है। निर्बल का विलोम शब्द। निर्बल का विलोम शब्द है सबल। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास की बात करें तो उसका उदाहरण रहता है तिरंगा। जातिवाचक संज्ञा छांटिए। पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल जो है तीन प्रकार के होते हैं भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल। शिला आपको अपना बड़ा भाई मानती है कैसा वाक्य है? यह जो एक सरल वाक्य है। यमपुर पहुंचाना मुहावरे का अर्थ जो रहता है वो रहता है मार डालना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में कौन सा अलंकार है? यह जो है अनुप्रास अलंकार है। सुपरिटेंडेंट को हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं अधीक्षक। आज्ञार्थक वाक्य छांटिए। आज्ञार्थक बात की बात करें तो आज्ञार्थक जो वाक्य रहता है वो रहता है यहाँ शोर मत करो इसमें जो है आज्ञा दी है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य छांटो। शुद्ध वाक्यों की बात करें तो ऑप्शन बी हमने पुस्तकें नहीं लौटाई जो है शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों जो है अशुद्ध वाक्य है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन ए मृगांक जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के तीन जो है पक्षी के पर्यायवाची है। पगड़ी शब्द है। पगड़ी शब्द की बात करें तो ये एक देशज शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा से आया है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन है चार। कौन कौन से? क्ष त्र ज और श्र। थ का उच्चारण स्थान। थ का उच्चारण स्थान है दंत। द्वितव व्यंजन का उदाहरण जो रहता है वो रहता है ए पका। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।